Hi everyone. I am Dr. Priyanka, and today we are going to discuss a very, very, very important topic uh, from law of human rights, that is ECHR. ECHR refers to European Convention of Human Rights. Hamare syllabus two conventions: hai, ECHR and ACHR. European Convention of Human Rights and American Convention of Human Rights. एक और भी हुई थी जिसको हम अफ्रीकन कन्वेंशन बोलते हैं बट डेट इज़ नॉट इन आर सिलेबस वो हमें नहीं करनी है हमें दो करनी है एक यूरोपियन कन्वेंशन एंड एक अमेरिकन कन्वेंशन इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की देखिए कुछ रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका काम होता है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का तो रीजनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनका काम होता है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें और उसको प्रमोट करें उसके लिए बहुत सारे चीज़ें की जाती हैं वो रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कन्वेंशनस आती हैं ट्रीटीज़ आती हैं डेक्लेशंस आते हैं एसेकट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो कुछ कॉन्वेंशनस हुई थी और उन कॉन्वेंशन में से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वेंशनस हैं एक है यूरोपियन कॉन्वेंशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब ये जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इसका काम क्या है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लोकलाइज़ करने के लिए ताकि हर एक जगह छोटी से छोटी जगह इसको अप्लाई कर सकें सारे देश मिलकर जिन देशों ने मिलकर ये कन्वेंशन किया था मतलब कन्वेंशन के दौरान जितनी भी मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था वो सारे के सारे इसको अग्री करेंगे अपने देश में लागू करेंगे और बाहर भी इसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया बिलोंग टू यूरोप जितने भी यूरोपियन कन्वेंशन में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारी आती हैं ठीक है एंड यूरोपियन काउंसिल के मेंबर कंट्रीज के जो लोग हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को उस टाइम पे जब कन्वेंशन हुई थी तो 47 सेवन मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वो सारे के सारे इसको अप्लाई करते हैं और इनका मेन फंक्शन है एच को प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करना इट वॉज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डेक्लेन ऑन ह्यूमन राइट्स किस चीज़ पर बेस्ड है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डेक्लेन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे साइन किया गया था जो नाइनटीन फिफ्टी में और एनफोर्स हुआ नाइनटीन फिफ्टी थ्री में इसमें टोटल फिफ्टी नाइन आर्टिकल्स और सोलह प्रोटोकॉल्स थे जिसको ह्यूमन राइट्स की सेविंग और प्रमोशन के लिए रखा गया था बनाया गया था इनमें से एक प्रोटोकॉल इलेवन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे अब इसमें राइट्स एंड फ्रीडम्स क्या क्या थे जो ई में दिए गए सबसे पहला इसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो राइट्स एंड फ्रीडम आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है जितने याद रहे उतने लिख दीजिएगा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी राइट फ्रॉम टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट राइट फ्रॉम फोर्स्ड लेबर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी राइट टू फेयर हियरिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली राइट टू एजुकेशन एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ पोजेशन एट्सेट्रा ये सारे के सारे राइट्स एंड फ्रीडम्स हैं जो ई सी एच आर हमें देता है इसके अलावा हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी मशीनरीज की कि इसकी मशीनरी कौन कौन सी है जो इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है अब इसकी मशीनरी में तीन बॉडीज हैं नंबर वन यूरोपियन कमीशन नंबर टू यूरोपियन कोर्ट एंड नंबर थ्री कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट बॉडी डेट इज यूरोपियन कमीशन यूरोपियन कमीशन जो है वो रिसीव करता था कंप्लेन अलग अलग पार्टीज से थ्रू सेक्रेटरी जनरल मतलब कोई भी आके यहाँ पर इनके पास कंप्लेन कर सकता था चाहे वो इंडिविजुअल खुद कर दे जिसके जिसका ह्यूमन राइट right का, का हनन हो रहा है या कोई एनजी कर दे या कोई पार्टी कर दे या कोई भी कर दे ये मना नहीं करेगा इस सबकी कम्प्लेंट को लेगा इट रिसीव पटिशन थ्रू सेक्रेटरी जनरल किसके थ्रू हो क्या आएगी पटीशन सेक्रेटरी जनरल के थ्रू एंड इट हैंडल्स केसेस ये खुद केस को हैंडल करता था और अगर इसके बस की नहीं होती थी तो ये इसको आगे फॉरवर्ड करके यूरोपियन कोर्ट को दे देता था तो ये था यूरोपियन कमीशन अब बात करते हैं यूरोपियन कोर्ट की यूरोपियन कोर्ट एक जुडिशल बॉडी थी जो नाइनटीन फिफ्टी नाइन में बनी थी जिसको हम स्ट्रेटस स्ट्रेस बर्ग कोर्ट भी बोलते हैं सॉरी एस टी आर ए एस स्ट्रेस बग बी यूजी कोर्ट भी बोलते हैं इसका काम था एक्शन लेना जो भी किसी के फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स को खराब कर रहा है उसके लिए यूरोपियन कमीशन से अगर हैंडल नहीं होता तो यूरोपियन कोर्ट को दे देता था और यूरोपियन कोर्ट उसको हैंडल करता था फिर अपने तरीके से और यूरोपियन कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी थी जुडिशियल बॉडी उसके बाद थर्ड बॉडी जो कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स की थी वो मेरिट बेस पे काम करती थी और केस के आते ही उसको डील करना पड़ता था उस कमेटी के साथ मगर बाद में आया प्रोटोकॉल इलेवन मैंने अभी आपको पीछे कहा था सोलह प्रोटोकॉल्स बने थे जिसमें से जो ग्यारह प्रोटोकॉल था ग्यारहवा नंबर वाला जो प्रोटोकॉल था वो सबसे इंपॉर्टेंट था जिसमें इन्होंने यूरोपियन कमीशन और कमेटी ऑफ मिनिस्टर का रोल बिल्कुल ख़त्म कर कर यूरोपियन कोर्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी और बहुत ही पावरफुल बॉडी बना दिया और उन्होंने ये कहा कि इसका एम है रैशनलाइज करना मशीनरी को मशीनरी को रैशनलाइज कर कर राइट्स और लिबर्टीज़ को एनफोर्स कर कर और ग्रांट करें कन्वेंशन से एंड यूरोपियन कोर्ट को फुल कोर्ट बना दिया पूरा इसको जुडिशल राइट right दिया और बाकियों का काम इन्होंने खत्म कर दिया वहाँ पर कि आपका आपका इतना काम नहीं है आप कोर्ट के हवाले कर दो तो सारा उसको पनिश करने का पेनल्टी लगाने का सारे राइट्स उनको दे दिए तीसरा कमेटी वॉज नॉट एम्पावर्ड फॉर केसेस क्योंकि कमेटी के पास वो एम्पावरमेंट नहीं थी केसेस को लेके डायरेक्टली हैंडल करने की बट कोर्ट को इन्होंने डायरेक्ट हैंडल करने की पावर दे दी प्रोटोकॉल इलेवन में बाकी दो की पावर को बिल्कुल खत्म करके फुल टाइम कोर्ट बना दिया जो है यूरोपियन कोर्ट था और उसके हाथ में पूरी पावर जो है वो दे दी तो ईसीएचआर जो है वो एक ऐसी कन्वेंशन uh, हुई थी जिसमें लोगों की ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए बातचीत हुई जिसमें आपके प्रोटोकॉल्स uh, बने आर्टिकल्स बने काफी ज्यादा और उन प्रोटोकॉल्स में इलेवन प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल इलेवन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपने तीनों बॉडीज के बारे में बताना है यूरोपियन कमीशन यूरोपियन कोर्ट एंड कमिटी ऑफ मेम्बर्स के बारे में आपने बताना है इसमें राइट्स एंड फ्रीडम्स के बारे में बताना है आपने और uh, कुछ एग्जाम्पल्स देकर और लास्ट आप इसको बताएंगे कि कैसे यूरोपियन कोर्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है तो दिस इज ऑल अबाउट आप करके जाए एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा एंड डेफिनेटली इस क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। देन थैंक यू सो मच